ब्रो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टेट लेवल ऑनलाइन एजुकेशन 2021 कक्षा 9वीं विषय हिंदी और आज का सब्जेक्ट है उपायोजित लेखन निबंध लेखन। निबंध लेखन के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे। निबंध यानी जिसका कोई बंध नहीं है उसे निबंध लेखन कहते हैं। 8 अंक के लिए 9वीं कक्षा में अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न रहता है निबंध लेखन का। निबंध लेखन बहुत ही आसान होता है जो लिखने में परीक्षा में। हमने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ हमारे पास जानकारी है, हमारे मन में जो कुछ विचार है, जो हम किसी विषय पर लिखते हैं उसे निबंध लेखन कहते हैं। तो निबंध लेखन क्या होता है? एक अच्छे निबंध की विशेषताएं, निबंध के रूपरेखा, एक अच्छे निबंध का नमूना, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो निबंध इस जैसे इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, ऐसे राइटिंग कहते हैं, हिंदी में निबंध लेखन कहते हैं। निबंध आसान और सरल है कि जिसे हम लिख सकते हैं। परीक्षा में हमें 3 या 4 टॉपिक दे रहते हैं, उस विषय पर हमें निबंध लेखन लिखना होता है। जो विषय हमें दिया है उस विषय को समझना बहुत ही आसान होता है, समझना जरूरी होता है, उस विषय के अनुसार हमें निबंध लेखन लिखना होता है। निबंध लेखन हमें कुछ ऐसी शब्दों की सीमा दी रहती है, उस शब्दों की सीमा के अनुसार हमें निबंध लेखन लिखना होता है। जैसे निबंध लेखन 80 या 100 शब्दों में हमें लिखने के लिए कहते हैं, तो उसी 80 या 100 शब्दों में निबंध लेखन लिखना होता है। निबंध लेखन लिखते समय हमें ये बातें ध्यान में रखना है कि निबंध में पूछे गए विषय कौन से है, उसी विषय के अनुसार हमें निबंध लेखन लिखना होता है। जैसे किसी की आत्मकथा लिखने के लिए बोला होता तो आत्मकथा ही लिखनी होती है, किसी वृक्ष के बारे में जानकारी लिखना होता तो वृक्ष के बारे में जानकारी लिखनी होती है, किसी थोर पुढ़ारी के बारे में हमें जानकारी या विषय होता है तो उस पुढ़ारी के बारे में हमें लिखना होता है। परंतु निबंध लेखन लिखते समय हमें ये बातें ध्यान में रखना है कि हमें जो शब्द दिए, शब्द की सीमा दिए है, उसी शब्द की सीमा में हमें निबंध लेखन लिखना होता है। निबंध लेखन के भी 4 अलग अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। जब आप निबंध लेखन लिखते हैं तो हमें विचार करके कि इस निबंध का क्या सारांश है और हमें निबंध किस तरह से लिखना है, ये भी जानकारी हमें रखना चाहिए। निबंध लेखन लिखते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि प्रस्तावना, मध्य का और अंतिम निबंध का अंत भी हमें करना जरूरी होता है। जब हम निबंध लिखते हैं तब हमें कुछ निबंध के पहले कुछ ऐसे शब्द लिखना है कि निबंध पढ़ते ही कोई ऐसा जागृत होना चाहिए कि जो लिखने वाला निबंध है इस निबंध के बारे में बहुत उसको जानकारी है, या कविता का कुछ लाइन लिख सकते हैं या सारांश लिख सकते हैं जिससे हमारा निबंध बहुत अच्छी तरह से हो। जैसे हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ में हमें सबसे पहले उसके बारे में जानकारी दी जाती है, पाठ की प्रस्तावना, पाठ का मध्य का और पाठ का जब अंत होता है उसके बारे में हमें जानकारी समझता है। उसी तरह से निबंध जब हम लिखते हैं तो हमें भी प्रस्तावना, मध्य और अंतिम सारांश के अनुसार ही निबंध लिखना होता है। निबंध लिखते समय हमें ये बात ध्यान में रखना है कि जिस विषय हिंदी विषय का है तो हिंदी विषय का ही अनुवाद निबंध में होना चाहिए। दूसरी बात है एक अच्छे निबंध की विशेषताएं, निबंध की रूपरेखा, एक अच्छे निबंध का नमूना। तो निबंध क्या होता है? सबसे पहले हमें ये प्रश्न निर्माण होता है कि अभी हम 9वीं कक्षा में गए हैं, 8वीं कक्षा तक हमें भी प्रश्न आया है कि निबंध लेखन लिखो, परंतु प्रश्न कैसे आते थे? किसी गाय के ऊपर निबंध लिखो, किसी बगीचा के ऊपर निबंध लिखो, किसी पाठशाला के ऊपर निबंध लिखो, या अपने मम्मी पापा के ऊपर निबंध लिखो। तो उसमें क्या आता था? पाठशाला, मेरी पाठशाला। हमें ये ध्यान में रहता था कि मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरी पाठशाला है, मेरे स्कूल में
मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं ये कक्षा में पढ़ता हूँ, ये हमें क्या रहता था, ध्यान में रखता था। परंतु अभी निबंध का 9वीं कक्षा में सारांश बदल गया है, और आपने इसके पहले भी पढ़ा है कि निबंध में किसी की आत्मकथा, किसी का वृत्तांत, इस तरह से कोई ना कोई बदल हो गया, तो उसी के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। तो निबंध क्या होता है? निबंध होता है, निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्दों से शब्द मिलकर क्या होता है? वाक्य होता है। तो हमें शब्दों से शब्द मिलकर क्या करना है? निबंध बनाना होता है। जैसे हम कहानी लेखन लिखते हैं, कहानी लेखन में हमें क्या देते हैं? कुछ कहावतें देते हैं। कहानी लेखन में हमें कुछ शब्द देते हैं, उस शब्द को क्या करते हैं हम? शब्दों से शब्द मिलाकर क्या करते हैं? उसका सारांश पूर्ण करते हैं। उसी तरह से हमें कुछ ये देते हैं, प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न या उस सारांश को पढ़कर हमें निबंध लिखना होता है। यानी निबंध लेखन यानी शब्द जो शब्द से मिलकर क्या करना है, उसका सारांश लिखना जो होता है उसे निबंध कहते हैं। इसका अर्थ है भले प्रकार से बंधी हुई रचना। शब्दों से शब्द मिलकर वाक्य तैयार होता है। वाक्य तैयार कर हम क्या करते हैं? कोई परिच्छेद तैयार करते हैं। परिच्छेद से परिच्छेद मिलकर एक क्या होता है? सारांश यानी निबंध तैयार होता है, उसे हम निबंध कहते हैं। जब भी हमें निबंध लिखना होता है तो यह हमें ध्यान में रखना है कि हमें प्रश्न पत्रिका में किस विषय पर निबंध दिया है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, सोचना है, उसकी प्रस्तावना लिखना है, ध्यान में रखना है, और आपको निबंध शुरू करना है। जब भी आप निबंध की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो टॉपिक दिया है, जो विषय दिया है, उसको बोल्ड अक्षरों से यानी ठड़क मुद्दों अक्षरों से आपको लिखना जरूरी होता है। बाद में जब हम निबंध की शुरुआत करते हैं तो थोड़ी सी जगह छोड़कर पैराग्राफ के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है। 3 या 4 परिच्छेद में हमें निबंध लिखना होता है। यानी जब हम निबंध की शुरुआत करते हैं तो 80 या 100 शब्द में हमें निबंध लिखना होता है। तो निबंध लेखन यानी क्या है? निबंध लेखन एक बंधी हुई रचना है जिसका कोई बंध नहीं, परंतु रचना के अनुसार हमें क्या करना होता है? निबंध लिखना होता है। अभी तक आपने 8वीं कक्षा तक निबंध और 9वीं कक्षा में भी देखा है कि निबंध किस तरह से आपको लिखना है, जिसमें किस तरह से शब्द आपको लिखना है, किस तरह से रचना के अनुसार आपको निबंध लिखना है। यानी निबंध लेखन यानी शब्द दो शब्दों से बंधा हुआ रचना, उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध लेखन लिखते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो आपको विषय दिया है उपायोजित लेखन में, उसे अच्छी तरह से पहले ही बोल्ड अक्षरों से लिखना है। तो निबंध लेखन यानी क्या है? किसी विषय पर क्रमबद्ध तरीके से विचारों की सुसूत्रता के साथ अलंकारिक शब्दों एवं सुस्पष्ट भाषा शैली का उपयोग कर स्पष्टीकरण के साथ लेखन करना होता है। जो भी आपको विषय दिया है प्रश्न पत्रिका में, उसे क्रमबद्ध तरीके से और विचारों की सुसूत्रता के अनुसार अलंकारिक शब्दों में एवं सुस्पष्ट भाषा शैली का उपयोग कर हमें स्पष्टीकरण के साथ लेखन करना होता है। तो ये बातें निबंध लेखन लिखते समय हमें ध्यान में रखना है कि क्रमबद्ध तरीके से हमें रचना की शब्दों की रचना करना है, विचारों की रचना करना है, विचारों के साथ साथ अलंकारिक शब्द है, व्याकरण के जो शब्द है उसका भी हमें उपयोग करना है, और सुस्पष्ट भाषा शैली, जो हमारी भाषा शैली है वो व्यवहारिक और उसी के अनुसार होना चाहिए, जो हम बोली भाषा के अनुसार निबंध नहीं लिखना चाहिए, सुस्पष्ट भाषा शैली होना चाहिए, उनका ही उपयोग करते हुए हमें स्पष्टीकरण के साथ 4 या 5 परिच्छेद में निबंध लेखन लिखना होता है। ये नियम है निबंध लेखन के। तो कुछ उदाहरण दिए हैं निबंध के। निबंध के कौन कौन से प्रकार है, उस प्रकार के अनुसार हमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। तो सभी के एक एक प्रकार आपको प्रश्न पत्रिका में दिए जाते हैं। जो निबंध आपको सरल और आसान लगता है और अपने विचार में आता है, उसी अनुसार आपको निबंध
प्रश्न उत्तर पत्रिका में लिखना होता है। पहला जो निबंध का टॉपिक रहता है वो रहता है वैचारिक। वैचारिक यानी क्या होता है, जिसमें कुछ हमारे विचार उस निबंध में हम लिख सकते हैं। वैचारिक निबंध इस तरह से होता है कि जिसमें कुछ शब्द सही और कुछ शब्द क्या रहते, कुछ टॉपिक क्या रहता है गलत रहते। तो हमें क्या रहता है वैचारिक निबंध में, गलत निबंध में उसके बारे में डिबेट रहता है। जो हमें विषय दिया रहता है उस विषय के बारे में उसे सही भी हमें लिखना होता है, उस विषय के बारे में हमें गलत भी लिखना होता है। तो हमारे क्या विचार है, जो विषय दिया है उसके बारे में हमारे सही क्या विचार है, उस विचारों को भी हमें उस निबंध लेखन में लिखना होता है। उसके बाद में हमें उस विचारों से हम संतुष्ट नहीं है, हमें इस विचारों से हमें गलत लग रहा है, वो गलत विचार भी हमें निबंध लेखन में लिखना होता है। दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हुए वैचारिक निबंध लिखना होता है। जैसे निबंध लेखन में, वैचारिक निबंध लेखन में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सेल्फी सही या गलत। सेल्फी यानी क्या होता है, फोटो निकालना। तो इस तरह से सही या गलत, यानी सही भी हमें सेल्फी के बारे में लिखना होता है या गलत उसके बारे में भी हमें, दोनों ही विचार हमें निबंध लेखन में लिखना होता है। आज का युग है आधुनिक युग है, और उसके बाद में तंत्रज्ञान भी युग है, मोबाइल का भी युग है, कंप्यूटर का युग है, संगणक का युग है, ऑनलाइन युग है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो मोबाइल में है अच्छी तरह से सेल्फी निकालती है, फोटो निकालते हैं, हम किसी भी जगह पे जाकर क्या करते हैं, फोटो निकालते हैं और फोटो का आनंद लेते हैं। परंतु कभी कभी ऐसी घटना होती है कि हमें ज्यादा रिएक्ट होते हुए कहीं रेलवे स्टेशन या कहीं पे बड़े पहाड़ों पे जाकर सेल्फी निकालते हैं और हमारा क्या हो जाता है, न मालूम होते हम सेल्फी निकालते हुए हमारे हाथ से दुर्घटना होती है। इसके कारण भी क्या हो जाते हैं, हम दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। तो सेल्फी निकालना आपके लिए अच्छे है या सेल्फी निकालना आपके लिए गलत है, ये दोनों ही विचार उसमें हमें विचार हमें उस निबंध में लिखना होता है। तो इस तरह से विचार हमें क्या करना है, मन ही मन में तैयार करने होते हैं, उस शब्दों के अनुसार, उस शब्द के अनुसार उस वाक्य की हमें भी रचना करनी होती है। तो पहला जो टॉपिक रहता है या प्रश्न पूछा जाता है वैचारिक रहता है, उसमें भी एक प्रश्न रहता है जिसे यहाँ पे दो दिया है, सेल्फी सही या गलत, अकाल एक भीषण समस्या। अकाल यानी क्या होता है, बाढ़। बाढ़ में क्या होता है, अकाल तीन प्रकार की भी होती है, बाढ़ आने से, बारिश आने से, बारिश ज्यादा होने से, बारिश ज्यादा न होने से, महंगाई बढ़ने से, भुखमारी होने से, ये बहुत सी ऐसी समस्या है। एक हमें अकाल एक भीषण समस्या है। तो इसमें अकाल के बारे में हमें क्या करना है, कुछ जागरूकता हमें दिखाना है कि ये करने से अकाल से हम बच सकते हैं, ये करने से अकाल नहीं आ सकती है। तो हमें ये विचार रखना है कि अकाल यानी क्या होता है, किस कारण होता है और समस्या क्या है, उस समस्या से हम किस तरह से उपायोजन कर सकते हैं। तो ये जो विचार रहते हैं हमें मन ही मन में तय करने होते हैं और उसी के अनुसार हमें क्या करना होता है, निबंध लिखना होता है। तो बहुत ही आसान होता है, अभी तक हम पढ़े हैं, बहुत ही आसान होता है कि निबंध लेखन क्या होता है, जिस तरह से आप जितने अपने विचार होते हैं उसी तरह से आप निबंध बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आप जिस तरह से चित्रकार जैसे होता है कि चित्रकारी में उसे ऐसा मालूम होता है कि यही कलर या यही कलर उसमें भरने से ये चित्र बहुत ही सुंदर दिखेगा, उसी तरह से अपने विचार भी निबंध लिखते समय बहुत अच्छे सुंदर विचार होना चाहिए कि मैं ये निबंध लिख रहा हूँ, मैं 80 या 100 शब्द लिख रहा हूँ, इससे जो पढ़ने वाला है वो बहुत ही मेरे विचार से जागरूक होगा और मुझे अच्छी तरह से मार्क। तो निबंध लिखते समय हमें भी ये बात ध्यान में रखना है, शब्दों के बारे में हमें ध्यान में रखना है, व्याकरण के बारे में हमें ध्यान में रखना है, और विचार जब हम लिखते हैं तो उसी विचार हमें, जो विचार लिख रहे हैं सादे और शुद्ध रूप में होना चाहिए, नहीं तो आपकी भाषा और विचार इसमें बहुत सी
ज्यादा ए होना ही होना चाहिए। तो इसी तरह से हमें ध्यान में रखना है कि निबंध किस तरह से हमें लिखना है। ऐसे तीन या चार टॉपिक है उसके बारे में मैं निबंध के बारे में आपको, चार प्रकार है और चार प्रकार किस तरह से आपको निबंध आते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देना वाला हूं। दूसरा जो प्रकार आता है वर्णनात्मक प्रकार, पहला जो है वैचारिक निबंध, दूसरा जो प्रकार आता है हिंदी में निबंध लेखन का वर्णनात्मक प्रकार। वर्णन यानी किसी जगह का हमें वर्णन करते हुए उसके बारे में जानकारी लिखना। जैसे हम कहीं नदी के किनारे बैठे हुए हैं और उस नदी का वर्णन कर रहे हैं, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। किसी बगीचे में बैठे हुए और बगीचे का हम आनंद ले रहे हैं और बगीचा में जो घटी हुई घटना है उसका वर्णन है, उसके बारे में हम निबंध में लिख रहे हैं, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। किसी पाठशाला में बैठे हैं और पाठशाला में पढ़ा रहे टीचर के बारे में, उनके बारे में वर्णन हम लिख रहे हैं, तो उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। किसी विज्ञान प्रदर्शनी में गए हैं हम और विज्ञान प्रदर्शनी में दिखाए जाने वाले प्रदर्शन और उसके बारे में जो हम जानकारी लिखते हैं उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। तो वर्णनात्मक निबंध यानी किसी देखे, हम आंखों से देखा हुआ और आंखों से देखे हुए विचारों को हम वर्णनात्मक रूप से लिखते हैं शब्दों के द्वारा, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे वर्णनात्मक निबंध के कुछ ऐसे विषय भी रहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है नदी किनारे की एक शाम। तो नदी किनारे हम गए, नदी किनारे हम बैठे हैं, बहता हुआ पानी है और सूरज है, सूरज धीमे धीमे ढल रहा है, पंछी भी अपने घर जा रहे हैं और जो नदी है बहुत ही शांत हो गई है। ये जो हम नदी किनारे जो वस्तु का हम ये करते हैं उस विचार लिखते हैं, उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे नदी दिया है तो नदी के बारे में हमारे मन में बहुत ही विचार आते हैं। नदी है, बह रही है, आजू बाजू में पेड़ है, घर है, उसके बाद में पक्षी है, सूरज है, तो ये भी हमारे मन में कुछ कुछ विषय या उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी होती है, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह से 80-100 शब्द में जानकारी पेपर में लिख सकते हैं। जैसे दूसरा दिया है विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन, तो यहाँ पे क्या दिया है साइंस और उसका एग्जीबिशन है, उसके बारे में हमारे विचार निबंध में लिखना होता है। हम छात्र है, किसी तो भी प्रदर्शनी में हम गए थे, उसमें हमें नए नए विज्ञान के बारे में जानकारी मिली, तो किस किस के बारे में हमें जानकारी मिली उस वस्तु का हम प्रदर्शनी के बारे में हम बता सकते हैं, उसका वर्णन बता सकते हैं। तो ये जो हमने देखा हुआ है और उसका हम वर्णन करने वाले हैं उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। तो दूसरा हमने टॉपिक ये देखा है, पहला टॉपिक हमने ये देखा है वैचारिक निबंध, निबंध का दूसरा टॉपिक है वर्णनात्मक निबंध यानी आंखों से देखा हुआ और उसका विवरण जो हम करते हैं लिखते हैं उसे वर्णनात्मक कहते हैं। तो इस तरह से निबंध के विषय रहते हैं। तीसरा जो है कल्पना प्रधान, तीसरा जो हमें चार टॉपिक आते, चार प्रकार आते, जो आपको टॉपिक या जो विषय आपको अच्छा लगता है उस विषय पर आप अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हैं। कल्पना यानी हम इमेज करते हैं, इमेजिंग करते हैं। जैसे कवि कहीं पे बैठते हैं और उससे अच्छी तरह से घोरते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं और अच्छी तरह से कविता लिखते हैं, तो भी एक कल्पना प्रधान एक निबंधों का विचारों का एक विषय है। कल्पना करना यानी इमेज करना, किसी के बारे में ये करना कल्पना प्रधान निबंध कहते हैं। तो मुझे कुछ कल्पना आती है, इमेजिंग आती है और उसके बारे में मैं कुछ लिखता हूँ, तो उसे कल्पना प्रधान निबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है, यदि किताबें न होती
मैं कल्पना कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ मन ही मन में कि किताबें न होती, हमें तो विषय मिल गया है किताबें, तो किताबों के बारे में तो हम बहुत कुछ लिख सकते, न होती तो किताबें न होती तो क्या होता, हम स्कूल नहीं जाते, हम पढ़ते नहीं, हम साक्षर नहीं होते, हमें दुनिया का ज्ञान नहीं होता कुछ भी, हम आपस में बोली भाषा जो विचार है अच्छी तरह से बोल नहीं पाते, तो ये हमारे मन में क्या आते हैं, कल्पना आते हैं, विचार आते हैं। तो पहला जो विषय है कि यदि किताबें न होती, किताबें न होने के कारण हम क्या स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे, साक्षर नहीं हो सकते थे, अच्छे कार्यालय में हम नौकरी नहीं कर सकते, किताबें न होने के कारण हमें शब्दों से बनने वाले वाक्य इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिलती थी। किताबें न पढ़ने के कारण हमें क्या नहीं मिलता, कुछ कहानी है, चुटकुले है, गोष्ट है, ये हमें जानकारी नहीं मिलती थी। कोई भी जानकारी हमें किताबें न पढ़ने के कारण मिलती थी, हम क्या रहते थे, साक्षर नहीं हो सकते थे। तो ये क्या रहता है, कल्पना प्रधान निबंध का विषय आपको परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरी जो उदाहरण दिया है कल्पना प्रधान का, यदि श्यामपट्ट बोलने लगे, श्यामपट्ट बोलने लगे यानी क्या, हम स्कूल में पढ़ते हैं जो ब्लैक बोर्ड है, जो टीचर पढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, श्यामपट्ट कहते हैं। तो श्यामपट्ट बोलने लगे तो हमें क्या होता है, उस शब्दों के उसके बारे में हमारे मस्तिष्क में ज्ञान निर्माण होता है। श्यामपट्ट बोलने नहीं लगेंगे, हमें वो जानकारी नहीं मिलेंगी, तो हमें जो पढ़ाया गया उस विषय के बारे में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड होता है। तो श्यामपट्ट पर कौन पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, कुछ टॉपिक देते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, और टीचर ही नहीं पढ़ाएंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तो अध्यापन नहीं करेंगे तो आपको अध्ययन आएगा क्या, नहीं आएगा। यदि श्यामपट्ट बोलने लगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में हम कल्पना प्रदान करते हुए उसके बारे में हम जानकारी लिख सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक आता है वो वैचारिक निबंध का, जो आपको अच्छा लगे वो आप निबंध में लिख सकते हैं। दूसरा है कल्पना, तीसरा है कल्पना प्रदान, वैचारिक और है वर्णनात्मक, और चौथा जो टॉपिक दिया गया है निबंध लेखन का, चरित्रात्मक निबंध। किसी की बायोग्राफी हमें लिखना होता है, चरित्र लिखना होता है, उसे चरित्रात्मक निबंध कहते हैं। उसके बालपन से लेके उन्होंने किए गए अच्छे कामों तक और अंत तक हम उस व्यक्ति के बारे में हम लिखते हैं, उसे बायोग्राफी या चरित्रात्मक निबंध हम लिखते हैं। जैसे हम पिक्चर देखते हैं, कई कई पिक्चर में भी हमें कुछ महान थोर व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, उसके चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है, उन्होंने किए गए विशेष कार्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और हम कुछ बुक्स में भी पढ़ते हैं किसी की बायोग्राफी कि उन्होंने बचपन से लेके अंत तक देश के लिए, अपने कुछ समाज के लिए किए गए अच्छे कार्य के बारे में हमें बोध होता है, उसे चरित्रात्मक निबंध कहते हैं। तो चरित्रात्मक निबंध में इस तरह से विषय आता है कि मेरे प्रिय नेता, तो सबके कोई कोई प्रिय नेता वगैरह होंगे, उससे हम क्या हुए हैं आदर्श, उसका ये लेते हुए हमारे मन में भी कुछ क्या आता है, आदर्श निर्माण होता है। इस तरह से भी कुछ उदाहरण आते हैं, मेरे आदर्श व्यक्ति कि जिन व्यक्ति से मैं प्रेरित हुआ और उन्होंने मुझे प्रेरित करके मैं इतना अच्छा व्यक्ति बना हूँ, मेरे आदर्श व्यक्ति, आपके आदर्श व्यक्ति, जैसे मेरे माता पिता भी हो सकते हैं कि जिन्होंने मुझे मोटिवेशन किया और मैं अच्छा महान व्यक्ति बना। मेरे आदर्श व्यक्ति में आपके टीचर भी हो सकते हैं कि जिन्होंने आपको मोटिवेशन करके आप अच्छी तरह से परीक्षा में आसान तरीके से अच्छी तरह से मार्क प्राप्त करके आप बड़े व्यक्ति बने हुए। तो ये जो टॉपिक रहता है, विषय रहता है, तो जिसे हम किसी के व्यक्ति के चरित्र के बारे में बायोग्राफी लिखते हैं, उसे हम चरित्रात्मक निबंध कहते हैं। तो इसमें ये विषय आता है चरित्रात्मक निबंध में, मेरे प्रिय नेता
जिसमें हम किसी खिलाड़ी के बारे में भी लिख सकते हैं या किसी नेता के बारे में लिख सकते हैं। और दूसरा जो आता है मेरे आदर्श व्यक्ति, जो हमारे गुरुजी है, टीचर है, माता पिता है, उन जिनसे हम प्रेरित हुए हैं, उनके बारे में हम चरित्रात्मक रूप से निबंध लिख सकते हैं। तो ये चार टॉपिक जो आपको निबंध विषय रहते हैं, निबंध में दे रहते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसी के अनुसार आपको निबंध लिखना होता है। चार विषय दिए हैं, चार ये दिए हैं, तो कोई भी आपको एक सिलेक्ट करना है कि मुझे निबंध अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, मुझे वैचारिक निबंध अच्छी तरह से लिखना आता तो वैचारिक निबंध लिख सकते हैं, मुझे चरित्रात्मक निबंध अच्छी तरह से आता है तो मैं चरित्रात्मक निबंध आपको लिख सकते हैं। जो आपको आसान लगता है उसी के अनुसार आपको निबंध लिखना है। परंतु ये बातें आपको निबंध लेखन करते समय ध्यान में रखना है कि जब हम निबंध लिखते हैं तो भाषा की शैली बहुत सरल और अच्छी तरह से होना चाहिए। जब भी आप निबंध लिखते हैं तो अपने अक्षरों पे भी ध्यान रखना है कि जो निबंध लिख रहा हो तो पढ़ने वाला अच्छी तरह से पढ़ सके कि मैंने क्या निबंध में लिखा है। निबंध की शुरुआत हमें अपने विचारों से करना है, नहीं तो निबंध में जो विषय दिया है, जैसे जो विषय देते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक मन में कविता लिख सकते हैं, चुटकुले लिख सकते हैं, जिससे ये मालूम होना चाहिए कि निबंध का आरंभ बहुत अच्छी तरह से किया है। निबंध जब हमें लिखना है तो उस निबंध में हमें प्रस्तावना से शुरू करना है, बाद में हमें निबंध का विषय बढ़ाना है, मध्य में, अंत में उसका समापन करना है। चार या पांच परिच्छेद में 80 या 100 शब्दों में आप अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हैं। निबंध हमें भूतकाल में लिखना है, कुछ निबंध वर्तमान में काल में भी लिखना है, और हमें भाषा और व्याकरण के अनुरूप ही निबंध लेखन लिखना जरूरी होता है। और एक महत्वपूर्ण बात है, जब आप निबंध लेखन करते हैं, जब आप पाठ पढ़ते हैं तो पाठ में हमें विराम चिन्ह दिखाई देते हैं, विराम चिन्ह का उपयोग दिखाई देता है, उसी तरह से हम जब निबंध की शुरुआत करते हैं, तो हमें जब शब्दों से वाक्य की रचना करते हैं तो हमें भी क्या करना है, विराम चिन्हों के ऊपर भी ध्यान देना। तो पढ़ने वाला या देखने वाला ये पहले बात देखता है कि इन बच्चों ने किस तरह से निबंध लिखा हुआ है, उसकी भाषा शैली किस तरह से है, निबंध की व्याकरण के अनुसार इन्होंने निबंध लिखा है, और चौथी बात जो है विराम चिन्हों के ऊपर भी ध्यान देते हैं। जितना ये बातों पे आप ध्यान देंगे उतने अच्छी तरह से आप निबंध लिख पाएंगे। तो निबंध लेखन लिखते समय विचार भी करना है, थोड़ा सा विचार करने, मुझे क्या लिखना है और विषय क्या दिया है, उस विषय के अनुसार ही आपको शब्दों के अनुसार शब्दों की रचना करके वाक्यों में रूपांतर करते हुए आपको निबंध लेखन लिखना है। तो निबंध के अंग कैसे होते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है कि निबंध के अंगों के, जैसे कुछ विज्ञान है, गणित है, उसमें कुछ नियम रहते हैं, उसी तरह से हमें भी निबंधों में नियम रहते हैं, उसी नियमों के अनुसार निबंध का विश्लेषण करना बहुत ही जरूरी होता है। तो निबंध के अंग में सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है, शीर्षक, अभी नदी किनारे एक शाम, तो शीर्षक हमें लिखना है। जैसे पाठ में हमें शीर्ष पाठ का नाम दिया रहता है, उसी तरह से शीर्षक भी जब हम निबंध की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें शीर्षक के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। मैंने एक टॉपिक दिया नदी किनारे एक शाम, तो उस निबंधों को उसी पेज पे नए पेज से शुरुआत करना है, प्रश्न क्रमांक लिखना है और बोल्ड अक्षरों से, ठड़क अक्षरों से लिखना है कि नदी किनारे एक शाम। शीर्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है निबंध लेखन करते समय। तो शीर्षक यानी क्या होता है, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए ताकि लोगों में निबंध पढ़ने की उत्सुकता पैदा हो जाए। जो भी अभी तो हमें परीक्षा में तो टॉपिक दिया रहता है कि जो टॉपिक दिया उसी के अनुसार हम शीर्षक लिख सकते, परंतु शीर्षक भी कैसा होना चाहिए, जब हम निबंध लिखते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्पर्धा एग्जाम है, उसमें भी निबंध लेखन आपको दिया जाता है। तो ये बातें हमें ध्यान देना है कि जब हम निबंध
लिखते हैं तो आकर्षण और जो शीर्षक होता है आकर्षक होना चाहिए, और पढ़ने वाले जब वो शीर्षक पढ़ते हैं तो उससे क्या होना चाहिए, उत्सुकता निर्माण हो जाना चाहिए। जैसे हम पिक्चर में टाइटल देखते, पिक्चर का नाम देखते नहीं, ये पिक्चर का नाम टाइटल ही पढ़ते हुए हमें समझ में आता कि पिक्चर बहुत सुंदर होगा, तो उसी तरह से हमें भी शीर्षक जब देते हैं तो पढ़ने वाला भी क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए और उसे पढ़ने की दिलचस्पी निर्माण होना चाहिए। इस तरह से हमें शीर्षक लिखना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा जो निबंध का अंग है प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना के सिवाय हम निबंध का मध्य और अंत नहीं कर सकते हैं। प्रस्तावना निबंध नदी, तो नदी के बारे में हमें कुछ जानकारी लिखना है कि हमारे देश में बहुत सी नदी बहती है, तो हम घूमने घूमने गए थे एक नदी के किनारे बैठे और उस नदी के किनारे हमने शाम बिताई, तो प्रस्तावना में ऐसे हमें कुछ शब्द लिखना है कि नहीं वो प्रस्तावना बहुत अच्छी लगना चाहिए। तो प्रस्तावना में निबंध की श्रेष्ठता का नींव भी होता है, इसे भूमिका भी कहा जाता है। यह अत्यंत रोचक और आकर्षक होना चाहिए। प्रस्तावना जब भी हम शुरुआत करते हैं अत्यंत आकर्षक और रोचक होना चाहिए कि हमें जिस वस्तु के बारे में हम निबंध में लिख रहे हैं उसे हम अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए प्रस्तावना, जब हम लिखते हैं तो 5 या 6 लाइन में लिखना चाहिए, ज्यादा विस्तृत लंबा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की हो कि जिसमें विषय वस्तु की झलक प्रस्तुत कर सके, जो विषय दिया है उस वस्तु के बारे में हम झलक प्रस्तुत कर सके, इस तरह से हमें प्रस्तावना लिखना होता है। जैसे बालक का जन्म होता है तो बालक यानी क्या हो गया, प्रस्तावना हो गई उस निबंध का। जब वो जवान होता है तो उसमें मध्य आता है, बुढ़ापा आता है तो अंत आता है। उसी तरह से बालक की जैसी जैसी क्या होती है, बाढ़ होती है, जैसा जैसा उम्र में बड़ा होता है उस तरह से हमें भी निबंधों को उसी विषय के अनुसार लिखना होता है। आगे में दिया है निबंध के अंग में विस्तार किस तरह से करना है, विस्तार किस तरह से करना है, यही विचारों का विकास होता है। यह निबंध का सर्व प्रमुख अंश है विस्तार, यानी हमें उस विषय को आगे 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 बढ़ाना है, उस शब्दों को आगे आगे बढ़ाना है, यही उस निबंध का क्या होता है, विस्तार होता है। यह निबंध का सर्व प्रमुख अंश होता है, इनका संतुलित अत्यंत आवश्यक है। जब हम विस्तार करते हैं तो संतुलित भी होना बहुत ही आवश्यक होता है, यही निबंधकार अपना दृष्टिकोण प्रकट करता है। जो विषय दिया है उसमें जो विषय को आगे आगे बढ़ाना, उसके बारे में विस्तार लिखना, यही निबंध का विस्तार होता है। हमने कभी कहानी पढ़े है, निबंध पढ़े है, तो उसमें प्रस्तावना देते हैं और प्रस्तावना के बाद में उस विषय के बारे में आगे आगे क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं, उसे ही विस्तार कहते हैं। उसके बाद में निबंध लिखते समय और हमें क्या बातों पे ध्यान देना है, जैसे उपसंहार, निबंध का समापन यानी अंत जब हम करते हैं तो उस निबंध का समापन एक निश्चित क्रम से होता है। लेखक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, उपदेश, दूसरों के विचारों को उद्घृत कर या कविता की पंक्ति के माध्यम से निबंध का समाप्त भी कर सकता है। कुछ उपदेश वाक्य भी हम लिख सकते हैं या कविता की पंक्ति भी लिख सकते हैं, इसी तरह से हम निबंध का समापन भी कर सकते हैं। तो हो गया निबंध के अंग, इस निबंध के अनुसार अंग के अनुसार हमें निबंध लिखना होता है, कंप्लीट करना होता है। आगे में दिया है निबंध लिखते समय निम्नलिखित कुछ आवश्यक बातें का भी अवश्य ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी बातें हैं कि निबंध लिखते समय हमें कौन कौन से बातों पे ध्यान रखना होता है, निबंध यानी किसका कोई बनता नहीं है परंतु उसमें भी कुछ बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखते हुए निबंध लिखना होता है। तो पहली जो बातें है, निबंध लेखन से पूर्व विषय की जानकारी एकत्र करके एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। जैसे आपको वैचारिक निबंध दिया है, कल्पना प्रधान निबंध दिया है, किस या चरित्रात्मक निबंध दिया है,
तो उस व्यक्ति के बारे में या उस वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी है तो उसका थोड़ा सा रूपरेखा बना के थोड़े थोड़े शब्दों में हमें एक करना, जैसे कहानी लेखन करते हैं तो कहानी लेखन में हमें कुछ थोड़े थोड़े शब्द देते हैं उसका हम विस्तार करते हैं, उसी तरह से हमें कुछ शब्द थोड़े थोड़े इसमें लिखना है तो उस शब्दों के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, निबंध का विस्तार भी कर सकते हैं, प्रस्तावना भी लिख सकते हैं या उसका अंतिम ये भी कर सकते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि निबंध लेखन के पूर्व विषय हमें उसकी रूपरेखा रखना या जानकारी लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निबंध लेखन हमें 15 या 20 मिनट में पूर्ण करना होता है। दूसरा है निबंध में विचारों का क्रमबद्ध रूप से अनुच्छेद में प्रस्तुत करना होता है। 3 या 4 अनुच्छेद या परिच्छेद में हमें क्रमबद्ध रूप से उस विषय के बारे में हमें लिखना होता है, जैसे प्रस्तावना है, विषय विवेचन है, समापन है, तो इसी क्रमबद्ध के अनुसार हमें क्या करना है, विचारों को क्रमबद्ध अनुच्छेद से प्रस्तुत करना होता है। निबंध की भाषा प्रभावशाली और सरल भाषा होना चाहिए, जो हम लिखते हैं प्रभावशाली होना चाहिए, पढ़ने वाला प्रभावी होना चाहिए, उसे कुछ बोध होना चाहिए, परंतु जब हम लिखते हैं तो सरल भाषा भी होना चाहिए, ये बातों पे भी हमें ध्यान रखना है। निबंध में मौलिकता का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम शब्द लिख रहे हैं इसी से किसी को दुख या भावना प्रकट नहीं होना चाहिए, द्वेष प्रकट नहीं आना चाहिए जो हम लिख रहे हैं। तो लिखते समय, निबंध लिखते समय हमें ये बात ध्यान रखना है किसी भी इसमें ये हम जो लिख रहे हैं तो भावना या द्वेष किसी व्यक्ति में नहीं निर्माण होना चाहिए, मौलिकता रहना चाहिए, अपनी शैली में ही हमें विचार प्रकट करना होता है। ये बातें महत्वपूर्ण है कि जब हम निबंध लेखन लिखते हैं। वाक्य संक्षिप्त तथा चुस्त होना चाहिए, जब भी हम वाक्य लिखते हैं संक्षिप्त तरफ से और चुस्त होना चाहिए, जटिलता दोहराव दुराचार से बचना चाहिए। वही वही वाक्य हम लिख रहे, वही वही व्यक्ति का नाम लिख रहे, वही वही स्थान का नाम लिख रहे, वो पढ़ने वाला भी क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो जो हम वाक्य लिख रहे, जो हम शब्द लिख रहे हैं एक ही बार लिखना चाहिए, उसका दोहराव नहीं करना चाहिए, इस तरह से हमें निबंध का विश्लेषण करना चाहिए। निबंध का नियम जो होता है यथास्थान यथा प्रसंग काव्य पंक्तियों सूक्तियों आदि का भी प्रयोग निबंध में प्रभावशाली कर सकते हैं। आपको कुछ यथा प्रसंग या कुछ यथा प्रसंग के बारे में जानकारी है या कुछ काव्य पंक्तियों के बारे में हमें जानकारी ये आती है, लिखना आता है काव्य, ये भी कर सकते हैं, सूक्तियां भी लिख सकते हैं, इस पंक्ति इसका भी हम उपयोग निबंध लेखन में कर सकते हैं। अंत में सुवचन भी लिख सकते हैं, कहावती भी लिख सकते हैं, अंत में इस तरह से हम उस निबंध का समापन भी कर सकते हैं। भाव भाषा के प्राण होते हैं, निबंध में भाषा भावों को प्रदान दिए जाते हैं, उसमें दिए गए हमारे भावना क्या है, हमारे विचार क्या है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये सब अंग है निबंध में, जब हम लिखते हैं तो ये अंग ये नियमों का हमें पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद में आवश्यकता क्या है, जब हमें अच्छी तरह से निबंध लिखना है तो क्या क्या आवश्यकता है, शीर्षक का अध्ययन करना, जो हमें टॉपिक दिया है शीर्षक दिया है उसका अध्ययन करना और उसे उसको पेपर में अच्छी तरह से लिखना, बोल्ड अक्षरों से लिखना, पैराग्राफ बना के लिखना। जब हम लिख रहे निबंध लेखन तो हमें जो उत्तर पत्रिका मिलती है तो नए पेज से शुरुआत करना, ये बातें हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न क्रमांक लिखना, उपायोजित लेखन है तो उपायोजित लेखन लिखना, ये सब बातें हमें ध्यान में रखते हुए निबंध लेखन की शुरुआत करना होता है। उसके बाद में है संकेत बिंदु का भी समझना, क्या संकेत दिए है, क्या बिंदु दिए है, इन बातों के भी हमें समझ कर ही निबंध लेखन की शुरुआत करना होता है। संकेत और बिंदु को भी हमें ध्यान में रखना होता है। शब्द सीमा में भी हमें ध्यान में रखना होता है, जो शब्द दिया है, अभी आपको शब्द दिया है कि 80 या 100 शब्द में ही हमें निबंध लिखना है, तो 80 या 100 शब्द में भी ऐसे जरूरतमंद शब्द ही हमें लिखना है कि हमारा निबंध प्रभावशाली होना चाहिए। तो शब्द सीमा में भी हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। प्रारूप क्या दिया है निबंध का, किसके वैचारिक निबंध दिया है, चरित्रात्मक निबंध दिया है, भावनात्मक निबंध दिया है, कल्पना प्रधान निबंध दिया है, ये सभी विषय को समझते हुए हमें प्रारूप के अनुसार हमें निबंध लेखन लिखना होता है। क्रमबद्धता के अनुसार निबंध लिखना होता है, क्रम के अनुसार प्रस्तावना है, उसके बाद में विषय है उसको हमें विस्तृत रूप से लिखना है, समापन करना है, कुछ चुटकुले है या कविता पंक्ति लिखना है,
ये बातें आपको समझ कर ही निबंध लेखन लिखना होता है। शब्द चयन भी अच्छी तरह से लिखना होता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति की भावना या कोई पढ़ने वाले की भावना उसमें गलत ना हो, ये बातें भी हमें निबंध लेखन लिखते समय लिखना होता है। भाषा शैली तो बहुत ही अच्छी होना चाहिए, जैसे हिंदी विषय का निबंध है तो हिंदी भाषा शैली में ही हमें निबंध लिखना होना चाहिए। बोली भाषा के अनुसार हमें निबंध नहीं लिखना है तो व्याकरण के अनुसार और पाठ के दिए गए शब्दों के अनुसार हमें निबंध लेखन, व्यवहारिक अनुसार हमें निबंध लेखन लिखना होता है। और अंत में हम मुहावरे और सूक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। निबंध जब अंत में हम क्या कर सकते हैं, मुहावरे लिख सकते हैं, कवि की पंक्तियां कुछ लिख सकते हैं जो हमारे मन में है, या चुटकुले लिख सकते हैं, इससे भी हम प्रयोग करते हुए निबंध का समापन कर सकते हैं। अंत में क्या आता है, उपयुक्त निष्कर्ष, प्रत्येक इसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष होता है, तो इस निबंध से मुझे ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, ऐसे निष्कर्ष हम अंत में दो या तीन लाइन में लिख सकते हैं कि मुझे ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ, निबंध से मुझे ये जानकारी मिली, मैं इससे प्रारूप हुआ, ये सब हम जानकारी उपयुक्त निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं। तो निबंध लेखन में जो कुछ ये दिया है, इस तरह से निबंध लेखन के कुछ नियम होते हैं, उस शब्दों के अनुसार भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान वरदान और अभिशाप क्या है, किस तरह से हमें लिखना है, तो उसके पहले हमें जानकारी रखना है भूमिका, प्रस्तावना, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जो टॉपिक दिया है हमें विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का महत्व क्या है, विज्ञान के लाभ क्या है, विज्ञान से होने वाले हानियां और उपाय और उपसंहार, इस तरह से हमें कल्पना प्रधान निबंध हमें इसमें, जैसे मैंने बोला था सही या गलत, उस तरह से हमें भी जब इस तरह से प्रश्न दिया है तो विज्ञान के बारे में हमें इस तरह से जानकारी एक कच्चे कागज में लिखकर उसके उस तरह से हमें विश्लेषण, भूमिका, प्रस्तावना विज्ञान के बारे में, तो इस तरह से जो हमारे मन में विचार रहते हैं वो विचार हम एक कच्चे इसमें लिखने का और उसका विश्लेषण कर सकते हैं। उसके बाद में दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी के बारे में, बेटी यानी क्या होता है, बेटी के बारे में हमें प्रस्तावना लिखनी है, बेटी बचाने के बाद में और पढ़ाने के बाद में उसका महत्व क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, लाभ और उपसंहार, ऐसे हमें कच्चे इसमें रेखांकन करना है और उस विचार को विचार मन में रखते हुए उसका हमें विश्लेषण करना होता है। तो कुछ निबंध का एक टॉपिक मैंने आपको दिया है कि इसी तरह से आपको निबंध क्या करना है, परीक्षा में लिखना है। चार टॉपिक रहते हैं, जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है, जो विषय आपको अच्छा लगता है उस विषय को आपको समझना है, एक कच्चे इसमें रूपरेखा बनाना है, उस रूपरेखा के अनुसार हमें निबंध का विस्तार करना है। तो निबंध पढ़ते समय सबसे पहले हमें विषय दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है विषय समय का सदुपयोग। समय यानी क्या होता है, टाइम होता है, काल होता है, कि समय का हम सदुपयोग किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में हमें निबंध में जानकारी लिखना होता है। तो सबसे पहले टॉपिक जो दिया है समय और सदुपयोग, तो दोनों का भी हमें ध्यान, समय भी दिया है, सदुपयोग, उसका सदुपयोग किस तरह से करेंगे, टाइम टेबल किस तरह से बनाएंगे, हमारे पास रहते हैं एक दिन में 24 तास, सेकंड रहते हैं, मिनट रहते हैं, तो उस समय के अनुसार हम किस तरह से नियोजन करते हैं, ये जानकारी हमें एक रूपरेखांकन करना जो जरूरी होता है। जब भी आप निबंध लिखते हैं तो नए पेज से नए प्रश्न पत्रिका मिलते हैं, उसमें आपको निबंध दिया है उत्तर पत्रिका के नए पेज से, उसमें लिखना है प्रश्न पत्रिका, और चारों बाजू में आपको चौकट करना है, जहाँ यहाँ पे बोल्ड अक्षर से चौकट किया है, देखो बोल्ड अक्षर से चौकट किया है, बीच में क्या लिखा हुआ है, जो टॉपिक दिया है बीच में लिखा हुआ है, और कलर से लिखा हुआ है। आपको लगता होगा कि मैं कलर से भी लिख सकता हूँ, तो कलर से भी आप बोल्ड अक्षर से समय का सदुपयोग किस तरह से लिख सकते हैं, यानी जो टॉपिक दिया है उसमें भी पढ़ने वाला सबसे पहले आपने शीर्षक क्या दिया है यही देखता है। उसके बाद में संकेत बिंदु क्या दिया है, संकेत बिंदु में सबसे पहले आता है प्रस्तावना, भूमिका, समय के सदुपयोग की आवश्यकता,
समय के सदुपयोग का महत्व उपसंहार, बाद में प्रस्तावना का विश्लेषण किया है। शेक्सपियर ने कहा है, मैंने समय को बर्बाद कर दिया और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। इस कथन से स्पष्ट है कि संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। यहाँ पे देखो प्रस्तावना, इस तरह से हमें हमारे विचार लिख सकते हैं। इसमें देखो जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह का भी हमें इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे रुकना है वहां पे हमें अल्प विराम भी देना है। जो समय को व्यर्थ गवाता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। समय किसी के अधीन नहीं है, न ही समय किसी की परवाह करता है। जो मनुष्य समय का महत्व नहीं समझता वह जीवन में असफल होता है। तो इस तरह से हम 20 शब्दों में वाक्य की रचना कर सकते हैं और एक शीर्षक में यहाँ तक के हम प्रस्तावना लिख सकते हैं। बाद में आता है उसका विषय विवेचन, यानी उसको पढ़ाना, शब्दों के अनुसार उसको आगे करना। तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपनी गति से बढ़ता जाता है। ईश्वर एक बार में एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पूर्व उस क्षण को ले जाता है। अंत हमें प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग जीवन में सफलता की कुंजी है। समय वह धन है जिसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय बीत जाने पर पछताने का क्या लाभ। इसलिए कहा है, कि समय की हमें क्या करना चाहिए, बचत करना चाहिए, समय पे हमें ध्यान रखना चाहिए, समय पे ही समय से हमें कार्य करना चाहिए। आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों, तो जो है काम का बोझ बढ़ता ही जाएगा। तो जो काम है, जो पढ़ाई है, उसी समय पर हमें पूर्ण करना चाहिए। इसीलिए इस तरह से हमें निबंध लिखना होता है। और एक जो दूसरा जो दिया है, भ्रष्टाचार एक गहन समस्या। अभी हम भारत में रहते हैं, कोई भी चीज या कोई भी हासिल करना है वस्तु हमें, तो कोई ना कोई इसमें भ्रष्टाचार होता ही है। तो भ्रष्टाचार एक समस्या, इस तरह से भी हमें निबंध लेखन के विषय पूछा जाता है। तो भ्रष्टाचार यानी क्या होता है, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो निबंध की शुरुआत इसी तरह से करना है और प्रस्तावना इस तरह से हमें लिखना है कि भारत के सामाजिक जीवन में आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह एक कहावत बन गई है कि रिश्वत लो और पकड़े जाने पर रिश्वत देकर छूट जाओ। हम किसी कार्यालय में देखते हैं कि जो कार्य हमें एक महीना लगता है वो कार्य हमें एक दिन में पूर्ण करते हैं, तो रिश्वत लेते हुए हम क्या करते हैं, वही कार्य आसानी से पूरा करते हैं। रिश्वत लो और रिश्वत से छूट जाओ। जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, मेरे पास गाड़ी है और मैंने सोचा कि मैं कहीं से टहल के आता हूँ, और वाहतूक का कुछ नियम है कि जब हम गाड़ी पे जाते हैं तो हमारे पास में सर के ऊपर हेलमेट रहना चाहिए। वाहतूक का एक नियम है कि जो लाइसेंस है, परवाना है, वो गाड़ी का परवाना होना चाहिए। परंतु ये बात में मैं ध्यान नहीं दिया और मैं घूमने गया, आगे में मुझे सिग्नल दिखा, सिग्नल में मुझे पुलिस वाले ने पकड़ा और बोला कि आप मुझे आपके गाड़ी के कागज दो, परंतु मेरे पास न रहने के कारण मैंने उनको नहीं दिया। तो वो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है कि जो आपका जुर्माना है वो चालान देता है। तो उसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, नहीं ये चालान मुझे किसी ऑफिस में देना पड़ेगा, मुझे एक महीना ये करना पड़ेगा, हम किसी को रिश्वत देते हैं। तो वो काम मुझे महीने भर में होना चाहिए, तो एक दिन में मैं क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। यानी हम ही क्या करते हैं,
रिश्वत देते हैं और रिश्वत के लिए रिश्वत को ही बढ़ावा देता है। तो भ्रष्टाचार हमारे भारत में बहुत बड़ी एक समस्या है। नियम और कानून की रक्षा करने वाले सरकारी कर्मचारी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बन गए हैं। भ्रष्टाचार का प्रभाव ऊपर से नीचे और बहता है। जब देश के अनेक मंत्री स्वयं भ्रष्टाचार या घोटाले में लिप्त हो, उस देश का चपरासी तक भ्रष्ट हो जाता है। यही स्थिति भारत की हो चुकी है। सरकारी कार्यालयों में बिना घूस दे कोई काम नहीं होता। झूठे बिल बनाए जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कागजों की सड़क के पुल आदि बनाते हैं, सारा पैसा खुद खा जाते हैं। तो भ्रष्टाचार हमारे एक गहन समस्या है कि हम रिश्वत देते हैं और वो काम जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं कि उस काम को हम जल्दबाजी में इतना रहते हैं कि नहीं, वो काम मुझे एक महीने नहीं, आज ही पूरा कंप्लीट करना है। इस जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हम भ्रष्टाचार या कुछ रिश्वत देते हैं। सरकारी सरकारी सर्वेक्षण बताते हैं कि किसी भी योजना के लिए दिया गया 75% पैसा तो अधिकारी ही खा जाते हैं। अब तो प्रीमियम, डोनेशन, सुविधा शुल्क और नए नए नामों का भी भ्रष्टाचार की व्यवस्था अंग बना दिया गया है। कहने का अर्थ है कि सरकार तक ने भी सबको स्वीकार कर लिया है, इसलिए व्यापारी और व्यवसायी को भी का भी यह ध्येय बन गया है कि ग्राहकों को जितना मर्जी लूटो। कर्मचारी ने भी सोच लिया है कि रिश्वत लो और काम से बचो। भ्रष्टाचार मनुष्य को बदनीयति से कारण बड़ा और उसमें सुधार करने से यह ठीक होगा। समाज के नियमों का पालन करने के लिए परिवार तथा विद्यालय में संस्कार दिए जाना बहुत ही जरूरी है। और ऐसा पाठ भी दिया गया है कि भ्रष्टाचार किस तरह से होता है, भ्रष्टाचार से बचने के लिए क्या करना चाहिए और कुछ कानून भी है। तो भ्रष्टाचार हमारे समाज में एक क्या है, समस्या है, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार हम निबंध में लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो निबंध लेखन का आपको पाठ हमने बताया कि निबंध लेखन आपको किस तरह से लिखना है, 7 अंक के लिए आपको निबंध लेखन दिया जाता है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। निबंध के प्रकार भी आपको बताया, जो आपको निबंध के प्रकार अच्छे लगते होंगे उसी के अनुसार आपको निबंध लिखना है। और ध्यान में रखना है कि जब आप निबंध लिखते हैं तो अपनी भाषा शैली, व्याकरण, शुद्ध लेखन, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने विचारों को ध्यान में रखते हुए 60 या 80 शब्दों के लिए निबंध लेखन पूछा गया होगा तो 60 या 80 शब्दों में निबंध लेखन लिखना है, या 100 शब्द में पूछा गया होगा तो 100 शब्द में निबंध लेखन लिखना है। निबंध में अच्छी तरह से शीर्षक देना है, आपको अंत में कुछ काव्य या पंक्ति लिखना है तो अंत में समापन भी आप कर सकते हैं। तो ये निबंध के टॉपिक और आपको जानकारी दिया है। मैं समझता हूँ कि आपको निबंध लेखन अच्छी तरह से समझ में आई गया होगा और आशा करता हूँ कि जब भी आपके 9वीं की एग्जाम होंगी तो आप अच्छी तरह से निबंध लेखन कर सकेंगे। और आपको निबंध आपकी किताबों के पीछे में भी दिया है, उस निबंधों को आप अपने मोबाइल के गूगल में सर्च करो और निबंध लेखन किस तरह से दिया है वो पढ़ो, आपको अच्छी तरह से ज्ञान भी बढ़ेगा और निबंध लेखन लिखने की जानकारी बढ़ेगी और आप अच्छी तरह से पेपर में निबंध लेखन लिख पाएंगे। या निबंध लेखन के किताबें भी आते हैं, किताबों में भी निबंध लेखन किस तरह से लिखना है ये भी जानकारी दिया जाता है। निबंध के प्रकार भी दिए रहते हैं, निबंध का अनेक अनेक टॉपिक के विषय पे दिया रहता है, वो विषय भी आप पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से आप निबंध लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही निबंध लेखन के बारे में, और कुछ डाउट है निबंध लेखन का तो आप पूछ सकते हैं।